फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काकोरी कांड के बारे में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पता ही होगा कि काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और जिनको नहीं पता है तो वो मैं बता देती हूँ कि काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। उसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी थी। और जो ट्रेन जो थी वो शाहजहाँपुर से लखनऊ की ओर आ रही थी, और ट्रेन का जो नाम था वो था एट डाउन नाम की ट्रेन थी। उसके बाद इस ट्रेन में ब्रिटिश का लगभग 8,000 रुपया था, लगभग 8,000 रुपया था। तो आप देख सकते हैं, अगर आज से अगर जाए तो 200 साल पीछे जाए तो 8,000 रुपये की कीमत तो बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। आज के समय में तो 8,000 रुपये कोई एक नॉर्मल पर्सन भी अर्न कर लेता है, बट अगर पीछे अगर पूरा 200 साल पहले जाया जाए तो वहाँ पे 8,000 रुपये की कीमत बहुत हुआ करती थी। और इसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि भारत को आज़ादी दिलाना, भारत के लिए कुछ कर गुजरना, इस उद्देश्य था। HSRA के इसमें सदस्य थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह, मुनारी शर्मा आदि लोग थे। मैं आपको बता दूँ, HSRA जो है इसका जो नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये पहले HRA के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से, ठीक है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी HRA की। और जब ये एक्शन हुआ उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 40 लोगों को संपूर्ण भारत से गिरफ्तार कर लिया गया, और जिनमें से 4 लोगों को फांसी दे दी गई, जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दे दी गई, अशफाक उल्ला खान 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दे दी गई, राजेंद्र लाहड़ी इनको 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई, रोशन सिंह 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। तो ये था काकोरी कांड, जिसे हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।